साल 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाने के बाद अब कौन सा नया काम किया फिल्म वॉर ने। दोस्तों, वॉर फिल्म के एक साल पूरे होने पर इससे जुड़ी कौन सी नई बातें अब जाकर आई हैं सामने और कौन थे ऋतिक के नाना और उनका इस फिल्म से क्या कनेक्शन है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गरिमा रोड और स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ पर। दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। साल 2019 की सबसे ज़्यादा कमाई करने के बाद फिल्म फिर से नया रिकॉर्ड बनाने को तैयार है। इस फिल्म के लगभग 500 करोड़ की कमाई करने के बाद कोई भी फिल्म वॉर की कमाई को टक्कर नहीं दे पाई। जी हाँ, और साल 2020 की शुरुआत में ही महामारी की वजह से सारे थिएटर्स बंद कर दिए गए थे, जिसकी वजह से दोस्तों फिल्मों के बनने और रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी। हम आपको बता दें, जो फिल्में बनकर तैयार थी उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ किया गया और कुछ फिल्में अब भी ऑनलाइन रिलीज़ के लिए तैयार हैं। सारे फिल्म मेकर्स को थिएटर्स के खुलने का बेसब्री से इंतज़ार है और वो बस इस ताक में लगे हैं कि थिएटर खुले और वो अपनी फिल्मों को लोगों के सामने पेश करें। लेकिन दोस्तों, अभी तक इस बात की कोई नई खबर नहीं है कि आखिर कब तक सरकार द्वारा थिएटर खोलने का निर्देश दिया जाएगा। हर कोई अपने फिल्मों को इसी हिसाब से रिलीज़ करने का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, बॉलीवुड और उनके स्टार्स का जलवा सिर्फ देश तक सीमित नहीं है। बॉलीवुड फिल्मों के दीवाने आपको देश विदेश के हर कोने में मिल जाएंगे। बॉलीवुड की फिल्में कई बार लोगों के लिए मिसाल कायम कर चुकी हैं और ये प्रेरणा का भी स्रोत है। ये महामारी जो दुनिया भर में हर कहीं है, इसकी वजह से लोगों का घर से निकलना और अपना मनपसंद काम करना मुश्किल हो रहा है, लेकिन पहले के मुकाबले इस पर काफ़ी ज़्यादा काबू कर लिया गया है। और दोस्तों, अब धीरे धीरे लोग इसके साथ जीने की आदत डाल रहे हैं और इससे खुद को बचाने का भी उपाय ढूंढ रहे हैं। जब हर काम किया जा रहा है तो फिर मनोरंजन पर क्यों रोक लगाई जाए, क्योंकि दोस्तों ये भी जीवन का एक हिस्सा है। इसी बात को साबित करने के लिए कोरिया ने, जी हाँ दोस्तों, कोरिया ने कुछ ऐलान किया है जो कि भारत के लिए भी गर्व की बात है और बॉलीवुड के लिए भी। आपको बता दें कि कोरिया ने ऐलान किया है, जैसे ही वहाँ पर कोविड-19 का लॉकडाउन हटाया जाएगा, वहाँ के थिएटर्स में सबसे पहले ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ स्टार फिल्म वॉर को रिलीज़ किया जाएगा। ये एक बड़ी खुशखबरी है जो फिल्म वॉर ने अपने नाम कर ली है। आपको बता दें, उस फिल्म ने अपने एक साल पूरे कर लिए हैं और इस मौके पर फिल्म मेकर्स को ये खुशखबरी मिली तो इस फिल्म के अनसुने और अनजाने पहलू से हम आपको वाकिफ कराते हैं। आइए आपको बताते हैं फिल्म से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, आपको बता दें, जो इस फिल्म का सबसे दमदार हिस्सा था, जो कि फिल्म का क्लाइमेक्स था, और उससे कहाँ शूट किया गया था, उसे शूट किया गया था आर्कटिक सर्कल पर। और हम आपको बता दें, जो वहाँ का बर्फ था वो 300 फीट ऊंचा और 10 फीट गहरा था। उस सीन को वहाँ शूट करने के लिए फिल्म मेकर्स को 5 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा था, तब जाकर उनको सरकार से इसकी इजाज़त दी गई थी। फिल्म में टाइगर के डबल रोल थे, उसमें जो उनका कैप्टन मार्वल खालिद रहमानी जो कि अटैक में मारे गए थे, फिल्म के अंत में उनकी श्रद्धांजलि दी गई और वहाँ जो उनका जन्मदिन लिखा गया था वो 2 मार्च 1990 दोस्तों, जो कि टाइगर की असल जन्मतिथि है। इस फिल्म में आपको जस्सी लीवर का नया किरदार देखने को मिला था, जो कि कॉमेडियन एक्टर जॉनी लीवर के बेटे हैं। जी हाँ, वो ऋतिक के स्पेशल टीम में थे। उनका किरदार ज़्यादा लंबा नहीं था दोस्तों, लेकिन काफ़ी अच्छा था। इस फिल्म में हम आपको बता दें, टाइगर के बहुत से दमदार एक्शन और डांस सीक्वेंस देखने को मिले थे, आपने देखा ही होगा, जिसकी सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ की थी। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि जब उन्होंने सीन्स को शूट किया था तब वो बहुत ज़्यादा बीमार थे, जो कि उनके एक्टिंग की वजह से ज़रा भी नहीं पता लग रहा था। और दोस्तों, यही तो होती है एक अभिनेता की सही पहचान, चाहे उनके अंदर कुछ भी चलता रहे, उसका असर वो अपने काम पर नहीं होने देते हैं। और इस फिल्म का एक हिट गाना था जिसमें हमें टाइगर और ऋतिक साथ डांस करते नज़र आए थे, और ये पुराने गाने जय जय शिव शंकर का रीमिक्स था। दोस्तों, आपको बता दें कि इस गाने के ज़रिए ऋतिक ने अपने नाना जयम प्रकाश को श्रद्धांजलि दी और ये गाना उनकी फिल्म आपकी कसम का हिस्सा था। दोस्तों, वॉर फिल्म के इतने हिट होने के बाद इसका दूसरा भाग बनने को तैयार है, जिसके बाद आपको इसका तीसरा भाग भी देखने को मिलने वाला है। आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करेगा, शेयर करेगा और हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको बॉलीवुड से जुड़ी हर फिल्मी अपडेट मिलती रहेगी।